हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम फिर से कहने जा रहे हैं गैंगस्टर वेगस सिटी। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी कैरन, उसको मेरे फ्रेंड ने ही किडनैप किया था मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ना बताकर, और अब मुझे उसे फाइंड आउट करना है कैसे भी करके। तो मुझे एक हिंट मिला है कि इस लोकेशन पे ये कोल माइन है, यहाँ पर कोयले की माइनिंग होती है, यहाँ पर वो हो सकती है क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो फ्रैंक के नाम पे है। तो अगर इस माइन में वो कहीं पर भी उसने कैरन को छुपा के रखा, तो हम कैसे भी करके उसे ढूंढ निकालेंगे और अपने साथ लेकर जाएंगे। पर यहाँ पर 3 से 4 लोकेशन है जहाँ पर वो हो सकती है, और हर लोकेशन पे यहाँ पर उसके गुंडे होने वाले हैं, और मेरे पास बुलेट्स हैं बहुत कम। हाँ, छोटी वाली गन भी है पर बुलेट्स बहुत कम है। तो देखते हैं जैसे ही तैसे करके हम कैसे कर पाते हैं। तो जैसे तैसे करके बुलेट्स को तो मैनेज कर लेंगे, बट एनी हाउ मुझे कैरन का पता आज लगा कर छोड़ना है। अगर कैरन इस लोकेशन में, इस पूरी लोकेशन में कहीं पर भी है, तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और अपने साथ लेकर जाऊंगा। बिकॉज मेरे फ्रेंड ने, मेरा फ्रेंड तो खैर क्या ही बोल सकते हैं उसे, उस बंदे ने मेरे को डबल क्रॉस किया है, और अब मैं कैसे भी करके कैरन को अपने साथ लेकर जाऊंगा, उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। सो चलो, एक लोकेशन हमारी कवर हो गई है और बाकी 2 लोकेशन बाकी हैं। तो लोकेशन कवर करने के लिए मुझे पता चल गया कि येलो कलर का मार्क है जिस पर पहुंचना होता है। वहां पर जाने के बाद हमें ऑलमोस्ट पता चल ही जाता है कि उस लोकेशन पे कोई है या नहीं है। बाइक मेरे पास है तो बाइक से जल्द से उस लोकेशन पे पहुंचेंगे। 3 लोकेशन हमें कवर करनी है। 1 लोकेशन हमारी कवर हो चुकी है, 2nd लोकेशन की तरफ हम जा रहे हैं। हमारे पास बुलेट ज़्यादा नहीं है, बट ज़्यादा बुलेट इस बार यूज़ भी नहीं होंगी। मैं सीधा उस लोकेशन की तरफ जाऊँगा जहाँ पर येलो कलर का मार्क है। पर यार अगर वो लोग मुझे मारते रहेंगे तो 3 ही तो हेल्थ पैकेट्स हैं मेरे पास। सिर्फ 3 हेल्थ पैकेट्स में थोड़ी सी बुलेट्स में मुश्किल लग रहा है कि हो पाएगा, बट मैनेज करेंगे। आई थिंक ये लोकेशन भी कवर हो गई है, इसका येलो मार्क पहुँच चुका हूँ मैं। यहाँ भी कैरन नहीं है। एक 3rd लास्ट लोकेशन इस पूरी कोल माइनिंग बची हुई है। अगर कैरन वहाँ पर हुई तो ही, वरना फिर उसका कोई और ही ठिकाना है। फिर यहाँ पर भी एक बाइक है, ये वाली बाइक लेकर हम चलेंगे 3rd लोकेशन की तरफ, और इस जगह पे कैरन का मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना उसके बाद फिर कैरन मुझे नहीं पता कहाँ मिलने वाली है। तो गाइस, अभी तक का गेम प्ले अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार। सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है, बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरे, और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी ज़्यादा सजेशन में जाती है वीडियो। सो प्लीज़, न्यू क्रिएटर हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करना, एंड सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। सो 3rd लोकेशन पर आ गए और बुलेट हो गई मेरी ख़त्म ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक गन की। अब मेरे पास एक सिंगल हैंडेड गन है, 2 जो कॉम्बो में है। एक साथ में 2 गोलियाँ जरूर चला सकता हूँ, बट मेरे पास सिर्फ 1 हेल्थ पैकेट बचा है और 1 यहाँ पर अभी गैंगस्टर भी बचा हुआ है। थैंकफुली इसमें बुलेट्स तो हैं, पर मेरे पास जो हेल्थ पैकेट है वो लास्ट बचा हुआ था। अगर ये, और यहाँ पर और भी है भाई, और भी है, एक ही बंदा है। थैंक गॉड सिर्फ 1.5 ये मान लो को मिला कि हेल्थ पैकेट है, वरना खत्म हो जाता गेम अभी यहीं पे। और सारी की सारी लोकेशन मैंने चेक कर ली है, भले ही कैरम मुझे नहीं मिली, पर ये जो रेड किया मैंने इनकी कोल माइनिंग पे, इनके ऑलमोस्ट सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार दिया है। ये बहुत ही तगड़ा तमाचा है उन लोगों पे जो ये सोच रहे थे कि मैं कुछ करूँगा नहीं। सो कैरन को तो मैं एनी हाउ ढूंढ ही लूँगा, फिलहाल बस हमें यहाँ से निकलना है, बिकॉज हो सकता है इनका री इन्फोर्समेंट और आता हो और हमारे पास बुलेट्स अभी बची नहीं है। तो अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, और अब ये फिर से मिस्ट्री ये रह गई है कि कैरन है कहाँ पर। कैरन को तो एनी हाउ ढूंढ ही लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, बट उससे पहले कैरन के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। सो गाइस, अभी तक का गेम प्ले अगर पसंद आ रहा है तो इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस में और लाता रहता हूँ। अगर आपने किसी ने भी ये गेम खेला है और आपको पता है कि कैरन मुझे कौन से मिशन में और कहाँ पर मिलने वाली है, तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं जल्दी से जल्दी उस मिशन पर मिशन को कम्प्लीट करके एंड कैरन को वहाँ से बचा कर लाना चाहता हूँ। सो आज के गेम प्ले में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप योर सपोर्ट विद मी। जैसे आपका 1 सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन बन जाता है, एंड मैं ऐसी और वीडियोस के बारे में सोच पाता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक द वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
बाय बाय।